सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशनजीत सिंह और मैं आईसीएसई फाउंडेशन में टू एंड थ्री व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन का ट्रेनर हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लच। आज हम देखेंगे कि क्लच का क्या काम है और क्लच को डिसमेंटल और असेंबल कैसे किया जाता है। तो आइए चलते हैं लैब में और देखते हैं कि क्लच को कैसे असेंबल और डिसअसेंबल किया जाता है। सो अभी क्लच को डिसमेंटल करने के लिए हमें इसका जो क्लच कवर है वो उतारना पड़ेगा। सो क्लच कवर को उतारने के लिए हमें इसके जो चैम्बर बोल्ट्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमें 8 नंबर का जो है टी स्पैनर है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए उसे डिसमेंटल करते हैं। सो जैसे कि अभी हमने इसमें से इस कवर को उतारने के लिए इसके 10 बोल्ट्स खोलने पड़े हैं। अभी हम इस कवर को उतारेंगे, बट कवर को उतारने से पहले ध्यान देना है कि हमने ये क्लच का जो लीवर है इसको प्रेस करके रखना है ताकि इसकी जो पुश रोड है वो अंदर ना गिर जाए। तो इसको खींच के फिर हमने कवर को उतारना है धीरे से। सो ये है हमारा क्लच कवर और ये है क्लच की पुश रोड। तो क्लच कवर को उतारने के बाद हमें क्लच तक पहुंचने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को उतारना पड़ेगा। सो इसको खोलने के लिए, इस बोल्ट्स को ओपन करने के लिए हमें 10 नंबर का टी स्पैनर यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली टू व्हीलर के इंजन को डिसअसेंबल करने के लिए ज़्यादातर 8, 10 और 12 नंबर के ही टी स्पैनर यूज़ किए जाते हैं। तो अभी 10 नंबर का यूज़ करके हम इस सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को उतारेंगे। तो अभी इस ऑयल फिल्टर को निकालने के लिए हमने इस प्लेट को उतारा। तो इस प्लेट के नीचे एक ओ रिंग भी दिया जाता है जो कि पंप, जो लुब्रिकेटिंग पंप है, जो प्रेशराइज्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल भेजता है क्रैंक की लुब्रिकेशन करने के लिए जो इस जगह से जाता है, तो उसको इस जगह से लीक होने से रोकता है ये ओ रिंग। और अभी इस सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को उतारने के लिए हमें इस लॉक नट को भी खोलना पड़ेगा। सो अभी हमें इस लॉक नट को खोला है फ्री करने के बाद। सो सभी चीज इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी किसी पार्ट को हम डिसअसेंबल कर रहे हैं तो उसके साथ लगते हुए वॉशर्स और बोल्ट्स को हम उसी के साथ रखें, क्योंकि जो पहली बार खोलने की कोशिश करते हैं बाद में उसको फिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसमें ये मदद करता है। तो अभी हम क्लच तक पहुंच चुके हैं और क्लच को डिसअसेंबल करने के लिए पहले हमें प्रेशर प्लेट के, ये जो प्रेशर प्लेट है इसके 3 बोल्ट को निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें 10 नंबर का टी स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए खोलते हैं इसे। ध्यान रखना है कि प्रेशर प्लेट को जब खोलना है तो हमें सभी बोल्ट्स को क्रिस क्रॉस कभी थोड़ा थोड़ा करके खोलना है ताकि प्रेशर प्लेट टूटे ना, क्योंकि इसके नीचे स्प्रिंग्स होते हैं तो स्प्रिंग फोर्स लग रही होती है। तो ध्यान रखना है कि ये एक साथ एक ही बार में बोल्ट नहीं खोलना है। इसको भी सभी जो बोल्ट्स हैं एक साथ इकट्ठे रखेंगे ताकि कोई मिसप्लेस ना हो जाए। उसके बाद हमें ये जो 6 स्प्रिंग्स हैं इनको निकालना है, ये जो प्रेशर प्लेट पे प्रेशर बना के रखते हैं। तो हम अपना ये क्लच नट जो है उसको ओपन करेंगे। सो अभी इस क्लच नट को निकालने के बाद हम इस क्लच सेंटर को बाहर निकालेंगे। क्लच सेंटर को बाहर निकालने के लिए हम सपोर्ट के लिए 2 जो बोल्ट हैं इसके साथ लगे उसको लगा सकते हैं ताकि ये इजीली बाहर निकल आए, कुछ इस तरह। सो इस क्लच सेंटर के साथ हमारी एक क्लच हब भी होती है जो इन प्लेट्स को होल्ड करके रखती है, इसमें से बाहर नहीं निकलने देती। सो इस क्लच पैक में पूरा हमारे पास 2 तरह की प्लेट्स होती हैं। एक जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारी फ्रिक्शन प्लेट्स है, इन्हें हम क्लच प्लेट्स भी बोल देते हैं।
और दूसरी हमारी स्टील प्लेट होती है जिसे हम प्रेशर प्लेट भी बोल देते हैं। ये सभी अल्टरनेट फॉर्म में इसमें असेंबल की जाती है, जैसे कि एक फ्रिक्शन प्लेट, फिर एक स्टील प्लेट, फिर एक फ्रिक्शन प्लेट और दूसरी फिर एक स्टील प्लेट। तो क्लच सेंटर को निकालने के बाद इसमें एक ये वॉशर होती है और इसको हम कहते हैं हमारा क्लच हाउसिंग, समटाइम इसे हम क्लच बकेट भी बोल देते हैं। तो इसको निकालेंगे, इसके नीचे हमारे पास दो बुश होते हैं, गाइड भी इन्हें बोल देते हैं, तो इनको भी हम क्या कर लेंगे, निकाल कर ट्रे में रख लेंगे। सो अभी हमने इसे क्लच को पूरी तरह से डिसअसेंबल कर लिया है और इसके बाद हम इसे देखेंगे भी इसको किस सीक्वेंस में हमने दोबारा इसके ऊपर असेंबल करना है।